नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डैनफ्री शैम्पू का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डैनफ्री शैम्पू को कैसे लगाना चाहिए और डैनफ्री शैम्पू की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि डैनफ्री शैम्पू को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डैनफ्री शैम्पू एक एंटी फंगल दवा है। डैनफ्री शैम्पू का उपयोग सिर की त्वचा में डैंड्रफ को ठीक करने के लिए और डैंड्रफ को होने से रोकने के लिए डैनफ्री शैम्पू का उपयोग किया जाता है। डैंड्रफ की समस्या होने पर सिर की त्वचा से सफेद रंग की सूखी पपड़ी उतरने लगती है और डैंड्रफ की वजह से बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं। इसके अलावा सेबोरिक डर्मेटाइटिस होने पर भी डैनफ्री शैम्पू का उपयोग किया जाता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस डैंड्रफ का ही एक गंभीर रूप है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस होने पर त्वचा से सफेद रंग की सूखी पपड़ी बहुत ज्यादा गंभीर रूप से गिरने लगती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डैनफ्री शैम्पू को कैसे लगाना रिकमेंडेड होता है। डैनफ्री शैम्पू को लगाने से पहले आपको अपने बालों और सिर की त्वचा को पानी से अच्छी तरह से भिगो लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी मात्रा में डैनफ्री शैम्पू को लेकर सिर की त्वचा में अच्छी तरह से लगाना चाहिए और हल्के हाथ से मसाज करनी चाहिए, और डैनफ्री शैम्पू के झाग बनने के बाद डैनफ्री शैम्पू को 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक सिर में लगाकर छोड़ देना चाहिए, और उसके बाद डैनफ्री शैम्पू को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। डैंड्रफ को ठीक करने के लिए डॉक्टर शुरुआत में पहले 8 सप्ताह तक डैनफ्री शैम्पू को सप्ताह में 2 बार लगाने की सलाह दे सकते हैं। डैनफ्री शैम्पू को बंद करने के बाद डैंड्रफ की समस्या दोबारा हो सकती है, इसलिए डैंड्रफ की समस्या को दोबारा से होने से रोकने के लिए डॉक्टर 8 सप्ताह बाद डैनफ्री शैम्पू को 2 सप्ताह में 1 बार लगाने की सलाह दे सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को डैंड्रफ की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है तो ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर डैनफ्री शैम्पू को सप्ताह में 1 बार भी लगाने की सलाह दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में डैनफ्री शैम्पू की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में डैनफ्री शैम्पू की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बालों में सूखापन होना, बालों का पतला होना, बालों की चमक कम होना या बालों का रंग फीका पड़ना, बालों का गिरना, त्वचा में जलन, खुजली और लालपन आदि साइड इफेक्ट्स डैनफ्री शैम्पू की वजह से हो सकते हैं। ये साइड इफेक्ट्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, केवल कुछ % व्यक्तियों में ही ये साइड इफेक्ट्स डैनफ्री शैम्पू की वजह से नोटिस किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति को डैनफ्री शैम्पू को लगाने के बाद सिर में बहुत ज्यादा जलन, खुजली, त्वचा का लाल होना, मुंह, गले, होठों या त्वचा पर सूजन होती है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि डैनफ्री शैम्पू को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यदि आपके सिर में कोई चोट लगी हुई है या आपके सिर में कोई घाव है तो आपको डैनफ्री शैम्पू को नहीं लगाना चाहिए और डैनफ्री शैम्पू को केवल सिर की त्वचा पर ही लगाना रिकमेंडेड है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डैनफ्री शैम्पू को लगाना रिकमेंडेड नहीं है। डैनफ्री शैम्पू को आंख, नाक और मुंह के किनारों के पास लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। यदि गलती से डैनफ्री शैम्पू आंख, नाक या मुंह में चला जाता है तो आपको डैनफ्री शैम्पू को तुरंत ही पानी की मदद से धो लेना चाहिए। बालों में ज्यादा केमिकल से भरपूर हेयर कलर का इस्तेमाल करने की वजह से भी डैंड्रफ की समस्या हो सकती है, इसलिए ज्यादा केमिकल से युक्त हेयर कलर का उपयोग न करें। बालों में बहुत ज्यादा तेल लगाने की वजह से और बालों में बहुत ही कम तेल लगाने की वजह से और बालों की नियमित रूप से सफाई न करने की वजह से सिर में डैंड्रफ होने का जोखिम अधिक हो जाता है, इसलिए आपको बालों की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। वैसे डैनफ्री शैम्पू प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी डैनफ्री शैम्पू को लगाना सुरक्षित है, इसलिए डॉक्टर जरूरत पड़ने पर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डैनफ्री शैम्पू को लगाने की सलाह दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति को डैनफ्री शैम्पू या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को डैनफ्री शैम्पू को नहीं लगाना चाहिए।
और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका डैनफ्री शैम्पू से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।